What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL, let's make some delicious paneer sejwan paratha. तो आज एक पनीर सेजवान पराठा बना रहा हूँ. बेसिकली ये एक कैसेडिया इंस्पायर्ड रेसिपी है. कैसेडिया एक मेक्सिकन रेसिपी होती है, टॉर्टियास के बीच में फिलिंग डालकर, चीज़ डालकर उसको पैन के ऊपर शैलो फ्राई या टोस्ट किया जाता है. बहुत ही डिलिशियस लगती है. उसका मैंने एक इंडो चाइनीज़ देसी वर्जन बना दिया है एज़ यूजुअल, और बहुत ही डिलिशियस बनती है. लेफ्ट ओवर चपाती के साथ भी बना सकते हो. ईजी सिंपल रेसिपी है. एज अ स्नैक, एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हो. लंच में भी बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो. इवनिंग स्नैक जैसे भी बना सकते हो. बहुत सिंपल रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है. लेट्स डू दिस. हमारी सेजवान पनीर फिलिंग रेडी हो गई है. ये फिलिंग बहुत ही डिलिशियस बनती है और बहुत इजी है बनाने के लिए. ये वाली जो फिलिंग है सिर्फ इस रेसिपी में, पराठे की रेसिपी नहीं, पर बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकते हो. जैसे रोल्स बना सकते हो, रैप्स बना सकते हो, स्प्रिंग रोल्स बना सकते हो, इसके पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग कर सकते हो, इसके सैंडविचेस बना सकते हो. तो कई सारी जगहों पर ये फिलिंग यूज़ हो जाएगी. तो एक ही फिलिंग आपने सीख ली है, अलग अलग तरीके से यूज़ करो. हॉट डॉग्स बनाओ, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं. अभी नेक्स्ट हमें होल व्हीट वाली रोटी बनानी है हमारे पराठे के लिए, और साथ ही में एक डिपिंग सॉस बनानी है. टॉम मेयो बनाएंगे पराठे के साथ सर्व करने के लिए. तो वो वाले प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेते हैं. हमारी होल व्हीट रोटियां तैयार हो गई हैं और डिपिंग सॉस भी तैयार हो गई है.
रोटियों में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप कोई भी रोटी इसमें यूज़ कर सकते हो। आपके घर पे लेफ्ट ओवर चपाती है, नॉर्मल चपाती है, उसके साथ भी ये रेसिपी बना सकते हो। अगर आप ये रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हो तो थोड़ी ऐसी कच्ची पक्की ऑलमोस्ट कुक्ड चपातियाँ बनाओ, तो क्या है जब भी आप ग्रिल करोगे तो बहुत अच्छे से ग्रिल होती हैं, ओवर कुक नहीं होती हैं। इसलिए मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाई है, लेकिन लेफ़्ट ओवर चपाती के साथ भी बिल्कुल सेम तरीके से एग्जैक्टली सेम रेसिपी आप बना सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है अलग से ऐसे चपातियाँ बनाने की। ये डिपिंग सॉस भी जो है टॉम में वो बहुत डिलिशियस लगती है, ये हम पराठे के साथ में सर्व करेंगे, पर आप बर्गर्स में, रोल्स में, सब जगह पे ये डिपिंग सॉस यूज़ कर सकते हो। तो ये भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी नेक्स्ट हमें सेजवान पनीर पराठा असेंबल करना है, वो कर लेते हैं। हमारा सेजवान पनीर पराठा जो हमारा देसी कैसेडिया है वो रेडी हो गया है और बहुत ही अमेजिंग बना है, बहुत ही डिलिशियस बना है। मैंने आज एक ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है वो ग्रिल मार्क्स लाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल तवे पर भी इसको सेक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो ग्रिल मार्क्स नहीं आएंगे, बाकी रेसिपी जो एग्जैक्ट सेम टू सेम बनेगी। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पर और मुझे बताओ आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस सेजवान पनीर पराठा एट योर होम। चीयर्स।